Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ANU CGE 2022 के बारे में. जी गाइस, आप लोगों का ANU CGE का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, साथ ही साथ सिलेबस क्या है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न किस तरह से चेक करना है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ये सारी डिटेल डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे ANU CGE का फुल फॉर्म देखेंगे, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यहाँ पे ANU CGE का फुल फॉर्म है. अब गाइस, इसका ANU CGE का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया था खुद आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम है. और उस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपको इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ एंड मेडिकल जैसे वेरियस फील्ड्स में आपको न्यूमेरस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं विद इन आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी. इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड में रिलीज होता है, साथ ही साथ इसका जो गाइस एग्जाम भी जो कंडक्ट होगा आपका ऑफलाइन मोड में, आपका एग्जाम यहाँ पे पेन पेपर बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट होगा. पेपर कंप्लीट करने के लिए टोटल 150 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे. अब गाइस नेक्स्ट बात करें अगर यहाँ पे एग्जाम की, तो आप लोगों का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ जून में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है. ऑल्दो अभी तक यहाँ पे जो है ऑफिशियल अथॉरिटी ने हर एक इवेंट्स की डेट अनाउंस नहीं की है, ऑफिशियल डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है. जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी डेट्स अनाउंस करेंगे हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, उस वीडियो में गाइस आपको हर एक इवेंट की डेट्स पूरी तरह से जो है एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी, जिससे आपको सिंपली उस पर्टिकुलर एक वीडियो से हर एक इवेंट्स की डेट्स पता चल जाएगी. अब नेक्स्ट बात करें गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की, तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी मिस्टेक या गड़बड़ अगर करते हैं तो एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है. अब गाइस रिजेक्ट होने से बचाने का सॉल्यूशन क्या वो भी देखेंगे, उसके पहले देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या. एप्लीकेशन में एक्चुअली क्या, सबसे पहले आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होगी, आपका नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, आफ्टर दैट पेरेंट्स डिटेल्स, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन आप लोगों को जो है आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों ही स्कैन करके अपलोड करना रहेगा, और लास्टली आप लोगों का एप्लीकेशन फी पे करना रहता है. ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली सही तरह से करने के बाद गाइस आप लोगों का जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव या एक्सेप्ट होता है. इसमें अगर आप कुछ भी मिस्टेक या गड़बड़ करते हो तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा. तो क्या करना है, किस तरह से आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे बच सकता है रिजेक्ट होने से, तो उसके लिए गाइस सिंपली आप लोगों को जो है जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते ही उस पर जो है हम एक वीडियो बनाएंगे. जी हाँ गाइस, उस वीडियो में आप लोगों को जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा फ्रॉम स्टेप वन, यानी कि आपका नाम एंटर करने से टू फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक आप लोगों को उस पर्टिकुलर वीडियो में पे करके बताई जाएगी. तो मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो. बात करेंगे अगर अब एडमिट कार्ड की, तो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड यहाँ पे ANU CGE 2022 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट आपको एग्जाम देना तो दूर की बात है, इवन एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा. एडमिट कार्ड में आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिर जो है आपके सब्जेक्ट्स, टाइमिंग, डेट्स, ये सारी डिटेल्स दी रहती है. अब गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, या तो फिर किस तरह से डाउनलोड करना, ऑफिशियल लिंक क्या है, ये सारी डिटेल्स उन्हें नहीं पता होती. तो गाइस आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको डिटेलली एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि किस तरह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है. आपको सिंपली वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका होगा. सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेयर होते आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आप अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे. सो नाउ आई होप कि आप लोगों को ANU CGE 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा. इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.